चलिए बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो डेटा लेता है और उस पर प्रक्रिया करके अर्थपूर्ण परिणाम देता है। कंप्यूटर को हिंदी में अभिकल यंत्र कहते हैं। इसके अन्य नाम में संगणक व परिकलक है, तो याद रखिए इसका हिंदी भाषा में अभिकल यंत्र कहते हैं। इसके अन्य नाम में संगणक व परिकलक है। कंप्यूटर दिए गए गणितीय तथा तार्किक संक्रियाओं को क्रम में स्वचालित रूप से करने में पूर्णतः सक्षम है। कंप्यूटर जो डेटा लेता है उसे हम इनपुट डाटा बोलते हैं और ये डेटा पर प्रोसेसिंग करके जो परिणाम वापस देता है उसे आउटपुट डाटा कहते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हार्डवेयर उपयोग के आधार पर और कार्य पद्धति के आधार पर और आकार के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं हार्डवेयर उपयोग के आधार पर। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी, पांचवी। कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। आकार और कार्य के, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक, अब प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये 1942 से 55 तक। इस जनरेशन के कंप्यूटर डायोड वाल्व निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया, इसे डायोड कहा गया। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। इसमें ट्यूब निर्वात का प्रयोग किया गया। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता था। भंडारण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। ये बड़े आकार और अधिक ऊर्जा खपत वाले थे। एनिक, यूनिवेक तथा IBM के मार्क फर्स्ट इसके उदाहरण हैं, फर्स्ट पीढ़ी के। 1952 में डॉक्टर ग्रेंस हाफर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया था। फिर द्वितीय पीढ़ी के, ये 1955 से 64 तक, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तार्किक उपकरण वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। इसकी गति और त्रुटियां कम थी। पंच कार्ड की जगह चुंबकीय भंडारण का उपयोग किया गया, जिसमें भंडार क्षमता और गति में वृद्धि हुई। व्यवसाय तथा उपयोग में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ किया गया। सॉफ्टवेयर कोबोल और फोर्टोन जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास IBM द्वारा किया गया। उसमें प्रोग्राम लिखना आसान हुआ द्वितीय पीढ़ी में, याद रखिए। फिर आती है हमारी तृतीय पीढ़ी, 1964 से 75 तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC का उपयोग किया गया। एक IC में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर तीनों ही समाहित हो गए, जिससे कंप्यूटर का आकार अत्यंत छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र एक छोटे चिप बन गए। प्रारंभ में SSI स्मॉल स्केल इंटरग्रेशन, बाद में MSI मीडियम स्केल इंटरग्रेशन का प्रयोग किया गया। चुंबकीय टेप और डिस्क के भंडार की क्षमता में वृद्धि हुई। रैम में कारण गति में वृद्धि हुई। रैम के कारण उच्च स्तरीय भाषा में पास्कल तथा बेसिक का विकास हुआ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। इसी में 1965 में DEC डिजिटल इक्वाइपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP 8 प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर 8 का विकास हुआ। फिर आती है हमारी चतुर्थ पीढ़ी, ये 1975 से 89, फोर्थ जनरेशन। इस पीढ़ी में लार्ज स्केल IC बनाना संभव हुआ। ये छोटे से छोटे चिप में लाखों ट्रांजिस्टर समा गए। आकार में कमी आई। इस चिप को माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया।
ISI लार्ज स्केल इंटरग्रेशन, BLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, चिप तथा माइक्रोप्रोसेसर प्रोसेसर के विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा क्षमता में वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर का विकास एम ई होप ने 1971 में किया। इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हुआ। चुंबकीय डिस्क और टेप का स्थान अर्धचालक मेमोरी ने ले लिया। रैम की क्षमता में वृद्धि से कार्य अत्यंतीव हो गया। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क का विकास हुआ। 1981 में IBM में माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे PC पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS, MS विंडो, एप्पल OS ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा में सी भाषा का विकास हुआ, जिसे प्रोग्रामिंग सरल था। उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया ताकि किसी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। फिर है पांचवी पीढ़ी का, 1989 से अब तक। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के विकास से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चिप पर लगाया जा सका। ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD के विकास में भंडार क्षेत्र में क्रांति ला दी। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन हाईवे की अवधारणा का विकास हुआ। मैग्नेटिक डबल मेमोरी के प्रयोग से भंडार क्षमता में वृद्धि हुई। पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC को जीवन में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में जोड़ दिया गया। IC का विकास 1958 में जैक केल्वी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। सिलिकन की तरह बने इस प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया। HF अर्धचालक पदार्थ सिलिकन या जर्मेनियम के बने थे होते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डिंग, विलियम साकल, वाल्टर बेटन ने किया। अर्धचालक पदार्थ सिलिकन SI जर्मेनियम का बना ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। कंप्यूटर निर्माण में उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अब ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के औद्योगिक नामक मानक है, जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों द्वारा कम दूरी पर बेतार तकनीकी द्वारा कंप्यूटर को नेट से जोड़ा जाता है। PC विकास 1981 में हुआ, जिससे माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया। इसमें हाई ड्राइव PC XT पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया। कार्य क्षमता के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर जिसके कार्य करने की क्षमता 500 मेगावाट फ्लॉप्स से अधिक हो, उसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इनमें मल्टी प्रोसेसिंग, समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें 32 से 64 समांतर परिपथों में कार्य कर रहे माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से सूचनाओं पर एक साथ कार्य किया जाता है। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर में गीगा फ्लास तथा टेरा फ्लास तक की गति पाई जाती है। इसका इस्तेमाल उच्च स्तरीय संघन गणनात्मक कार्यों, आणविक मॉडलिंग, भौतिक सिमुलेशन, अनुकार विश्वविद्यालय, सैन्य एजेंसियों, वैज्ञानिकों अनुसंधान प्रयोगशालाओं में किया जाता है। फिर विश्व सुपर कंप्यूटर प्रमुख विश्व के प्रमुख सुपर कंप्यूटर विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर K1S है, जिसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने 1979 में तैयार किया। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है। इससे कई प्रोसेसर समांतर प्रोसेसिंग में क्रम में लगे हुए रहते हैं। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का परम 10,000 का निर्माण CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा 1998 में किया गया। इसकी गणना क्षमता 100 गीगा फ्लॉप यानी 1 खरब गणना प्रति सेकंड है। इसका निर्माण का श्रेय CDEC
के निदेशक विजय भास्कर को जाता है। सीडेक ने पदम पदम नाम से भी सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। इस तरह के सुपर कंप्यूटर विश्व के कुल 5 देशों में यूएसए, जापान, चाइना, इजराइल, इंडिया के पास ही उपलब्ध है। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा, जबकि पैन सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास डीआरडीओ डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद द्वारा किया गया। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फेलो सॉल्वर का विकास नाल बेंगलुरु द्वारा किया गया, नेशनल एरोनॉटिक्स लैब द्वारा। दुनिया का सबसे तेज गणना करने वाला कंप्यूटर 93 सेकंड चीन का मेनफ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को छोड़कर विशाल आकार वाले सभी कंप्यूटर को मेनफ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। ये सामान्यतः 32 से 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। इस पर एक से अधिक लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये मुख्यतः बड़े संगठनों द्वारा आमतौर पर अत्यधिक आंकड़ों जैसे जनगणना, बड़े बड़े उद्योगों इस्तेमाल किया करते हैं। उदाहरण के लिए IBM 36,360, 360 IBM 360, फिर मिनी कंप्यूटर। यह एक औसत दर्जे का बहु उपयोगिता कंप्यूटर है, जो कि मेनफ्रेम से कम शक्ति वाला और माइक्रो से अधिक क्षमता वाला होता है। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से लगभग 5 से 50 गुना अधिक गति से कार्य करता है। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा अंकीय संगणक जिसका CPU माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन पर आधारित है। एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के लिए होता है। उदाहरण घरों में उपयोग की जाने वाले कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग शब्द का अर्थ होता है दो राशियों में अनुरूपता। एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतकों में परिवर्तित किया जाता है। अब इस प्रकार के कंप्यूटर प्रचलन से बाहर हो गए हैं। फिर अंकीय कंप्यूटर, अंकीय कंप्यूटर एक ऐसा विद्युत गणनात्मक उपकरण है जो संख्यात्मक अथवा प्रतीकात्मक जानकारी को निर्दिष्ट या गणनात्मक प्रक्रियाओं के अनुरूप बदलता है। उदाहरण के लिए सभी आधुनिक कंप्यूटर जैसे पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, पॉकेट कंप्यूटर, लैपटॉप। संकर कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर एक प्रकार का मध्यवर्ती उपकरण है जो एक एनालॉग को मानक अंकों में परिवर्तित करता है। इनमें अनुरूप तथा अंकीय दोनों प्रकार के संगठनों की विशेषता होती है। इनका इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में मुख्य रूप से होता है। ठीक है,